हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईएस एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलआईएस एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि इंटर लाइब्रेरी लोन और लाइब्रेरी कॉपरेशन क्या होता है। देखिए, इंटर लाइब्रेरी लोन वो लोन होता है जिसमें हम किताबों का लोन लेते हैं या किताबों का लोन देते हैं। ठीक है, किताबों का लोन लेना या किताबों का लोन देना। अगर हम किसी लाइब्रेरी, दो तीन लाइब्रेरी या 20 लाइब्रेरी आपस में कॉपरेट करके पार्टनर्स हैं, लाइब्रेरी पार्टनर्स बनी हुई हैं और वो एक दूसरे को किताबें लोन पे बेसिस पे देती हैं उनकी रिक्वायरमेंट पे, तो उसको हम कहते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन या फिर लाइब्रेरी कॉपरेशन भी कहते हैं इसको। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है? इंटर लाइब्रेरी लोन वो होता है जब हम किताबों का लेन देन लोन बेसिस पे करते हैं, एक दूसरे की डिमांड पे उसको क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं बुक्स, है ना। एक दूसरे की डिमांड जब आती है तब उनको बुक सप्लाई कर देते हैं और इसी तरह से फिर अपनी बुक को वहाँ से वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन और लाइब्रेरी कॉपरेशन। ये बहुत मतलब बड़े बेसिस पर भी हो सकता है और छोटी लाइब्रेरी अपने बेसिस पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। होप सो फ्रेंड्स, सो इंटर लाइब्रेरी लोन को अगर मैं एक लाइन में फिनिश करूँ तो ये क्या है, किताबों का लेन देन लोन बेसिस पर, है ना, और डिमांड और सप्लाई करना किताबों की लोन बेसिस पे अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।